हेलो सीबीएसई एस्पिरेंट, फाइनली आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर टर्म वन का, यहाँ पर देख लेते हैं ऑफिशियली यहाँ पर अपडेटेड किया है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा किस प्रकार आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। जैसे गूगल पर आपने सर्च किया तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल के आ जाएगा, जो कि सीबीएसई एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मुख्य वेबसाइट, मेन वेबसाइट आपको यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना। डायरेक्टली आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक डेस्कटॉप साइट यहाँ पर ओपन कर लीजिए। फिर आपको एक यहाँ पर बताएगा कि मेन वेबसाइट हो और यहाँ पर एक रिजल्ट का वेबसाइट है, ठीक है ना। तो मेन वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो ऑफिशियली लोड आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है और जो साइट है अभी तक एक्टिव नहीं हो रही है। लेकिन रिजल्ट, क्या आपके रिजल्ट पब्लिश हो गए, क्या रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आएगा। तो डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया उस टाइप आपको यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन शो आउट हो जाएगा जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपके टर्म वन के रिजल्ट है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अभी अभी मैंने यहाँ पर रोल नंबर, क्लास और स्कूल नंबर यहाँ पर डाल के देखा तो यहाँ पर ऑफिशियली बहुत लोड ले रही है वेबसाइट, तो यहाँ पर रिजल्ट चेकआउट नहीं हो पा रहे। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रैफिक कम होगा और सभी के रिजल्ट यहाँ पर शो अप कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास की बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी ही देर में यहाँ पर लगभग दो चार ऐसे वेबसाइट बता दूंगा जिससे आप अपना रिजल्ट विद इन अ सेकंड यहाँ पर चेक कर पाओगे, जब आपका लिंक यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर लोड बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास की बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।